जॉनी बेस्टो तो अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के ठोक डाले। आपको बता दें, पहले विकेट के लिए जॉनी बेस्टो डेविड वॉर्नर के बीच 7.2 ओवर में 67 रनों की साझेदारी हुई। आपको बता दें, इस दौरान जॉनी बेस्टो ने मुंबई इंडियंस के किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा था। खासतौर पर ट्रेंट बोल्ट पर तो वो टूट कर पड़े थे। मुंबई इंडियंस के लिए पारी का तीसरा ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट आए थे। इस ओवर में जॉनी बेस्टो ने शुरुआती 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए और उसके बाद तीसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर एक बड़ा छक्का लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद भी एक और चौका थी। आपको बता दें, इस ओवर में जॉनी बेस्टो ने 18 रन कूटे। आपको बता दें, इस ओवर की तीसरी गेंद पर जो छक्का लगा था वो इतना तूफानी था कि जो SRH की डगआउट पर लगे फ्रिज की दरवाजे पर सीधे जाकर लगा और फ्रिज का दरवाजा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। ये हैरान कर देने वाला मामला था, क्योंकि ऐसा कभी कुछ IPL में नहीं देखा गया था जब किसी बल्लेबाज ने छक्का लगाया और वो डगआउट में लगे फ्रिज के दरवाजे से टकराए और दरवाजा पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाए।